Hello and welcome to my YouTube channel Lead Your Life. Myself Dr. Monica Gupta. I am third generation homeopath of my family and working as medical officer under Bihar government. इसके पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किया है YouTube पर ANC से संबंधित यानी एंटीनेटल केयर से संबंधित, आप उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी जानकारी आपको इससे संबंधित मिल जाएगी। और ये जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ, ये मेरा तीसरा भाग है यानी कि थर्ड पार्ट है ANC को रिलेट करके। तो इस भाग में मैं आपको बताऊँगी कि जो आप प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आते हैं इस विषय पर। प्रेगनेंसी के दौरान आपको सर्वप्रथम जो नहीं काम करना चाहिए वो है कि आपको टाइट क्लोथिंग्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आप भी भली भांति जानते होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। हाई हील जूते आपको नहीं पहनने हैं, फ्लैट हील्स के चप्पल पहनने हैं, हाई हील के जूते या स्लीपर्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, टाइट क्लोथिंग्स यूज़ नहीं करना है, जींस नहीं पहनना है, है ना। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं या गुटखा खाते हैं या पान खाते हैं, वैसे प्रेगनेंसी के दौरान इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी नशीली पदार्थ का यूज़ आप नहीं करेंगे। गाँव में मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो बीड़ी पीती हैं, स्मोकिंग करती हैं, गुटखा खाती हैं, पान बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और क्या देखने में आ रहा है, आजकल बहुत सारी पेशेंट्स जो हैं वो स्किन प्रॉब्लम लेके आ रही हैं। वो उसका कारण मैंने देखा है कि आज के संदर्भ में क्या है कि बहुत सारी दुकानें बंद है, जो वो पहले से प्रोडक्ट यूज़ करती थी वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही हैं उनको। तो जो भी चीज़ अवेलेबल हो जाती है आसपास में वो उनको यूज़ कर लेती हैं, वो चाहे क्रीम हो या पाउडर हो या कोई और भी कॉस्मेटिक की चीज़ हो। तो ईज़िली अवेलेबल होने के कारण वो कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हैं। तो कृपया करके नए प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी इसका रिएक्शन एक्शन होगा तो फिर आपको ये झेलना पड़ेगा। उसके लिए आपको दौड़ के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में COVID-19 को लेके आपको बाहर निकलना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप कोई भी नए प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल नहीं करिए। सेकेंडली, और हम मेरे को देखने में ये आ रहा है कि लोग सेल्फ कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आता है, हल्का फुल्का भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो सेल्फ मेडिकेशन कर ले रहे हैं, ये सोच के कि डॉक्टर के पास हमको ना जाना पड़े तो सेल्फ मेडिकेशन कर ले रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो कृपया करके, ये मेरा आग्रह है आप लोगों से कि कृपया करके आप सेल्फ मेडिकेशन ना लें, घरेलू उपचार कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है सेल्फ मेडिकेशन के। सेल्फ मेडिकेशन करने से आपको ये पता नहीं है कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में कौन सी दवा आपको लेनी है, कौन सी दवा नहीं लेनी है। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि फिर बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा, बेबी का ग्रोथ हैम्पर हो जाएगा, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, डिलीवरी कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जा सकता है। सेकेंड, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को बैड न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। अभी आज के संदर्भ में जब भी आप टीवी खोलिए तो एक ही न्यूज़ आता है, कोरोना कोरोना कोरोना। तो इस बात को लेके मेंटल हैरेसमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रेग्नेंट लेडीज़ को ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना है कि वो बैड न्यूज़ से अलग रहे, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ आप ही को नहीं पड़ेगा, आपके बेबी के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये भी मेरी सलाह रहेगी कि बैड न्यूज़ को आप ना देख के अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। और एक जो आपको नहीं करना चाहिए वो है कि आपको अनकुक्ड कोई भी फूड नहीं खाना है। इस कंडीशन में जब कोरोना चल रहा है, COVID-19 का माहौल है, तो ऐसे कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। जिसमें ज़्यादातर आप लोग क्या यूज़ कर रही हैं, हाफ बॉइल्ड एग, जो आप सोचती हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, इसके वजह से भी लोग यूज़ कर रहे हैं। स्प्राउटेड जो सीरियल्स होते हैं वो भी अनकुक्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसको क्या करिए कि हाफ बॉइल कर लीजिए, यानी कि स्टीम बॉइल कर लीजिए और तब आप इसका सेवन कीजिए। क्योंकि देखा गया है कि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो एबॉर्शन होने तक का भी चांसेस रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इम्प्रॉपर कुक्ड फूड में क्या होता है कि बैक्टीरियाज होती हैं, जैसे साल्मोनेला, टॉक्सोप्लास्मोसिस, लिस्टेरिया, ये सब रहते हैं जो मीट में होस्ट की तरह रहते हैं। ये बच्चे में नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ ब्लाइंडनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि मदर्स में फ्लू लाइक सिम्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। एक और बात जो है कि जो सी फूड हैं, सी फूड में क्या होता है, मरकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ से भी प्रेगनेंसी में बचना चाहिए। उससे क्या होता है कि ज़्यादा अगर आप सी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे का जो है वो ब्रेन डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सब प्रिकॉशन आपको रखना है। सेकेंडली, क्या प्रिकॉशन आप रख सकते हैं कि आपको जो ऐसे फूड जो कैफीन युक्त हैं, तो कैफीन युक्त जो भी फूड्स हैं, जैसे कि आपको कोको कोला है, कॉफ़ी है,
और आपको कोको पाउडर है, ये सब में कैफीन ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो आपको इस ये इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ये बेबी के ग्रोथ को मेंटल ग्रोथ को स्पेशली रिटार्ड करते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबके दिमाग में रहता है कि ऐसा मैं करूँगी तो ज़्यादा स्वस्थ रहूँगी, ये एक मिथ है। जैसे कि फ्रूट जूसेस को का सेवन करना, फ्रूट जूसेस के जगह पे आप होल फ्रूट का सेवन करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसा क्यों है? एक तो आप जो होल फ्रूट है आप उसको छिलका निकाल के हटा के यानी आप उसको यूज़ कीजिए, उससे आपको रफेज भी जाएगा शरीर में, तो आपका जो इंग्रेडिएंट है जो फूड का बैलेंस डाइट का वो आपका कंप्लीट होगा। सेकंड, आप सुने होंगे कि इम्प्टी कैलोरी फूड वैसे फूड होते हैं जो शरीर में जाके और कुछ उनका यूज़ नहीं होता है और वो जाके स्टोर हो जाते हैं। ऐसे फूड का जो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो कैसे फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा? वैसे फूड जो अगर उनका सेवन किया जाए तो वो डायरेक्टली यानी कि बहुत कम समय में, बहुत ही मतलब लिमिटेड समय में यानी शॉर्ट पीरियड में वो जाके एनर्जी क्रिएट करते हैं, बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि जूसेस विद लॉट्स ऑफ शुगर, ऐसे जूस जो आप पी रहे हैं जिसमें बहुत सारी शुगर है वो शरीर में जाने के साथ में ही एनर्जी देने लगती हैं, क्योंकि उसमें पचने वाली कोई चीज़ रहती नहीं है, सॉलिड कुछ रहता नहीं है और वो तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाती है और शरीर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि शरीर अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन का सेक्रेशन करने लगता है और ये इंसुलिन क्या करता है कि शुगर को आपके बॉडी से आउट करता है। जब बॉडी से शुगर आउट हो जाएगा तो वापस से आपको भूख लग जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप फ्रिक्वेंटली आप खाना खाने लगिएगा। तो ऐसा नहीं करते हुए आपको क्या करना है कि होल फ्रूट का सेवन करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ प्रेगनेंसी के कंडीशन में आपको नहीं करनी है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लियर आउट करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, खानी चाहिए और अपने लाइफ में अपने रूटीन में फॉलो करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, दिन की शुरुआत जो है आपको गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए। और जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ का अगर वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, नॉसियन वॉमिटिंग जिसको हाइपरमेसिस ग्रेवेरियम भी कहते हैं हम लोग, अगर ऐसी टेंडेंसी हो रही है तो उनको उठने से पहले उनको कुछ मीठा मुँह में रख लेना चाहिए। मीठा के जगह पर आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। उसके बाद आप दिन का शुरुआत जो है लाइट एक्सरसाइज के साथ कीजिए, यानी कि आप उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा कर सकती हैं। एक्सरसाइजेस का कुछ मैं आपको पोर्शन वीडियो में बता रही हूँ, उन एक्सरसाइजेस को भी आप अपने रूटीन में फॉलो कर सकती हैं। उसके बाद क्या है कि दिन भर आपका बॉडी हाइड्रेट रहना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। यानी कि दिन भर आपको 5 लीटर से अधिक पानी पीना चाहिए, यानी कि अगर आप हाइड्रेट नहीं रखेंगी तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो शरीर में कम हो जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ जा सकता है। क्योंकि देखा गया है कि और सब जो जनरल जो लोग हैं उनमें अगर 5 लीटर ब्लड है अगर बॉडी में, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ का 7 to 8 लीटर ब्लड रहता है। इसलिए क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो पल्स है और जो हार्ट बीट है वो उनको महसूस होता है, और वैसे भी जब डिलीवरी के टाइम में भी ब्लड लॉस इतना हो जाता है कि उनका जो वॉल्यूम है वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है, यानी 8 घंटे का जो स्लीप है वो तो आपको लेनी ही है, साथ में आपको दोपहर में एक हल्का सा नैप लेना बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडीज़ को। यानी कि दिन भर आप काम कीजिए लेकिन दोपहर में थोड़े देर के लिए भी आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, और रात में 8 घंटे का स्लीप आपको चाहिए। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने देखा है कि बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो जब बच्चे को दूध पिलाने का वक्त आता है तो उस वक्त क्या होता है कि निपल्स उनका इतना रिट्रैक्टेड रहता है कि बच्चे को दूध पिलाने में कठिनाई होती है। तो इस बात को आपको केयर पहले से करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप थर्ड मंथ में आप घुसती हैं उसी वक्त आपको अपने निपल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा खुद से ही, और ये एक एक्सरसाइज के रूप में आप डेली कीजिए ताकि जब बच्चा का डिलीवरी हो तो बच्चे को दूध पिलाने में आपको कठिनाई ना हो। दिन भर हाइड्रेशन आपको रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आप जैसे कि ये पानी पीने के वाली बात तो मैंने बता दी आपको, और इसके साथ में भी आपको खाने का बहुत यानी कि डाइट पर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल रखना है। यानी कंट्रोल करने का मतलब है कि बैलेंस्ड वे में आपको डाइट
डाइट रखना है। डाइट सिर्फ डाइट नहीं होनी चाहिए, वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए और एक ऐसा डाइट होना चाहिए जो एक न्यूट्रिशनल हो। न्यूट्रिशनल यानी कि सारे जो आपको इंग्रेडिएंट हैं बैलेंस्ड डाइट के, पांच मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वो डाइट के जो पांचों इंग्रेडिएंट हैं वो उसमें फुलफिल होने चाहिए। मैं इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारी पेशेंट्स बोलती हैं कि मेरे को अभी अवेलेबल नहीं हो रहा है बहुत सारी फूड्स, तो मैं कैसे अपने आप को स्वस्थ रखूँ, मेरा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, इस बात की चिंता सता रही है पेशेंट्स को। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मार्केट का जो जाल मतलब फास्ट फूड का और ये क्या बोलते हैं सुपर फूड का जो जाल बाहर फैला हुआ है, इस जाल से आप अपने आप को बाहर निकालिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो सुपर फूड मार्केट में मिलते हैं, मॉल्स में मिलते हैं, आप वही खाइएगा तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास में अवेलेबल है, आप उसको खा के अपने बच्चे को और ख़ुद को स्वस्थ रख सकती हैं। डाइट, मैंने बार बार कहा, डाइट सिर्फ डाइट नहीं होना चाहिए, डाइट एक न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। यानी कि आपको पानी पीने के साथ में अपने डाइट को प्रॉपर बैलेंस्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि जो आपका ब्रेकफास्ट है वो किंग की तरह हो और जो आप रात का खाना ले रहे हैं वो पुअर की तरह यानी कि हल्का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं होगी और खाना आसानी से पच भी जाएगा। सेकंड जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो नॉर्मल आदमी है वो अगर तीन बार खा रहा है तो आपको तीन बार खाने से नहीं होगा, यानी कि आपको जो सर्विंग्स है वो 6-7 सर्विंग्स में खाना है। यानी कि अगर आप 4 रोटी खा रही हैं तो आप उसको 2 भाग में बांट के खाइए, 2-2 रोटी को यानी कि 2 बार खाइए। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो भी आप खाना खाती हैं आप उसको फ्रिक्वेंटली खाइए और थोड़े मात्रा में खाइए। यानी कि आपको सिर्फ 3 बार नहीं खाना है, आपको 6-7 बार खाना है दिन भर में, लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में खाना है। और क्या है कि जैसे कि शरीर में जब विषैले कुछ कीटाणु घुस जाते हैं तो हमारे जो वाइट सेल है वो उससे लड़ने की कोशिश करता है और एक विषैला पदार्थ छोड़ता है हमारे ब्लड के अंदर। तो ये जो है ये जो विषैला पदार्थ व्हाइट सेल के द्वारा छोड़ा जाता है, मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाना नहीं चाह रही हूँ, जनरल में बताना चाह रही हूँ, तो ये नॉर्मल सेल को भी डैमेज करता है। तो जब नॉर्मल सेल को डैमेज करता है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जो व्हाइट सेल है, हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें एक व्हाइट सेल होता है जिसको हम लोग WBC कहते हैं। WBC क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा ये सिपाही है। तो सिपाही है तो इसको लड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो हम जैसे डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं आप लोग को कि विटामिन सी खाना चाहिए। तो विटामिन सी जो है ये आपको एक्चुअली जाके वायरस और बैक्टीरिया से नहीं लड़ता है, ये क्या करता है, ये आपको WBC को मदद करता है लड़ने के लिए। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका ये साइट्रस फ्रूट्स है ये आपका बंदूक है जो आपने उसको पकड़ा दिया WBC को और ये उसकी सहायता से वायरस बैक्टीरिया को लड़ रहा है। तो साइट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो अभी कोरोना के पीरियड में भी बहुत जो कहा जा रहा है विटामिन सी की टैबलेट लीजिए, तो टैबलेट से ज़्यादा अच्छा है कि आप विटामिन सी का ही फ्रूट्स लीजिए, क्योंकि विटामिन सी टैबलेट के रूप में अगर आप तो वो आपको नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा, उससे बेटर आपको होगा। कि अब ये कैसे नुकसान करेगा मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं ये आपको कहना बताना चाह रही हूँ कि आप उसके जगह पर साइट्रस फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जब भी आपको इन्फेक्शन अगर नहीं है आपके बॉडी में तो आप एक नींबू या एक संतरा ऐसे करके आप यूज़ कीजिए डेली बेसिस पर। ऐसा नहीं कि आज खा लिए और कल नहीं खाए, तो साइट्रस फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए। साइट्रस फ्रूट में कौन कौन विटामिन सी किस किस चीज़ में पाया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि डाइट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं पांचों, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल, रफेज, ये पांच चीज़ जो है इसका फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि ये पांचों चीज़ किस किस चीज़ में हमको मिलेगा, यानी हम ऐसा कौन सा चीज़ खाए कि हमको ये पांचों चीज़ हमको मिल जाए और हमको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत ना पड़े, हमको यहाँ वहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, सुपर फूड के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो आइए इसी संदर्भ में आगे पॉइंट पे क्लियर आउट होते हैं कि इन पांचों इंग्रेडिएंट को हम कैसे अपने डाइट में इन्वॉल्व करेंगे। सबसे प्रथम जो आता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपको एग्जांपल में मैं बता सकती हूँ, जैसे कि आलू है, वेजिटेबल्स है, होल फ्रूट्स है, लेग्यूम्स हैं, सीरियल्स हैं, ये सब चीज़ जो है ये हेल्दी
कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। ऐसे जो भी चीज़ जो उबालने के बाद मतलब स्मैश्ड नहीं हो सके वैसे जो है वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, और जो आसानी से स्मैश हो जाते हैं वो अनहेल्दी में आते हैं। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, क्योंकि हेल्दी उसी को बोलेंगे स्मैश्ड नहीं होंगे यानी अच्छे से नहीं मसाएंगे, तो उसे क्या होगा कि इसका ये शो करता है कि उसके अंदर फाइबर्स है यानी कि वो हेल्दी हैं। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं, तो मैदा आता है, शुगर आता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे सेल के बनने में बहुत सहायक है, और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया सेल बन रहा है, बेबी बन रहा है, तो वैसे कंडीशन में प्रोटीन डाइट हमको लेना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में, इंजाइम्स हैं, जितने भी सेल ग्रोथ करते हैं, रिपेयर होते हैं, वो सारे आपको प्रोटीन्स मदद के द्वारा ही वैसे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स को हमको अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पेशेंट को थायराइड है, बीपी है या भी ओबेसिटी है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको प्रोटीन का डाइट सप्लीमेंट ज़रूर देते हैं। तो सप्लीमेंट के तौर पर पाउडर जो आता है वो आप यूज़ ना करिए, उससे बेटर है कि आप प्रोटीन का जो डाइट है उसको ही फॉलो कीजिए। तो अब आप मैं बताने जा रही हूँ कि प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। जो एग है, एग में सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स क्या है, ये प्रोटीन का ही पार्ट है, भाग है, यानी कि सारे प्रोटीन का जो एमिनो एसिड्स होता है वो एग में मिलता है। एग का जो पीला भाग है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो इसमें जो एग में एक कोलिन जो प्रोटीन होता है वो क्या, जिसका जो स्पाइन का जब डेवलपमेंट होता है यानी कि बेबी का जो स्पाइन है वो या किसी स्पाइन के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो इस तरीके से आप डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम में आप एग का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो प्रोटीन आपको और कहाँ कहाँ से मिलेगा, ओट्स में, पनीर में, दूध में, ब्रोकली में, राजमा, सोया, मसूर दाल, चना दाल, बादाम, पिस्ता, पीनट, वाइट मीट, ये सारे चीज़ में आपको प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाइट मीट और रेड मीट में क्या अंतर है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर चार पैर वाले जानवर हैं उसका जो मीट होगा वो आपको रेड मीट के अंदर आता है, और दो पैर वाले जितने भी जानवर हैं जिसमें फिशेस भी आ जाती हैं ये सारे आपको वाइट मीट के अंदर आते हैं। तो आपको वाइट मीट का सेवन करना है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है, जो आपको बहुत ज़रूरी है आपके डाइट में, वो है फैट। फैट को लोग समझते हैं कि ये फैट नहीं खाना चाहिए, लेकिन फैट भी अनहेल्दी और हेल्दी होता है। तो आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं कि फैट में कौन से फैट हेल्दी हैं और कौन से फैट अनहेल्दी हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। फैट जो है ये ग्रीस का काम करती है, ये स्टेरॉयड हार्मोन को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन का बहुत अहम रोल होता है, इसलिए फैट का भी का अहम रोल हुआ। फैट की मात्रा को हमको इंक्रीज़ करनी चाहिए डाइट में। जो जितने भी सेक्स हार्मोन हैं वो फैट से बनती हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया कि हेल्दी फैट होती है और अनहेल्दी फैट होती है, तो हेल्दी फैट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे नट्स हैं, मखाना है, वेजिटेबल ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, पीनट है, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे चीज़, ये जितने मैंने आपको लिस्ट बताएं ये सारे हेल्दी फैट्स में हैं, यानी आप इसको आराम से खा सकती हैं। अनहेल्दी फैट्स जो हुए उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो मलाई, बटर, चीज़, आइसक्रीम, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे चीज़ जो हैं ये आपको अनहेल्दी फैट्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। घी जो है ये हेल्दी फैट में आता है, बटर जो है ये अनहेल्दी फैट में आता है, यानी कि आप घी का इस्तेमाल आराम से कर सकती हैं और इससे आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माना में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो घी का ही सारा चीज़ बनाते थे, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो पूरा घी का भर भर के घी का डब्बा ही पिलाया जाता था। तो कहने का मतलब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घी से आपका वज़न बढ़ जाएगा। ये बहुत ही हेल्दी फैट होता है और इसको आप अपने डेली रूटीन में, डेली डाइट में आप इसको फॉलो करना ही चाहिए। नेक्स्ट जो आपको आता है वो है मिनरल्स एंड विटामिंस। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिनरल्स एंड विटामिंस का रोल हमारे बॉडी में, क्योंकि यही है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सबसे खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी डाइट जो है वो इम्यून बूस्टिंग होनी चाहिए, यानी कि ऐसा डाइट जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सके। तो इसमें मिनरल्स एंड विटामिंस का बहुत अहम रोल है। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स में कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से विटामिंस मिलेंगे।
तो सबसे पहले विटामिन सी है वो आपको कहाँ मिलेगा? नींबू है, अनार, आंवला, संतरा, अंगूर, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, ये सब जगह पर विटामिन सी मिलेगा। विटामिन ए जो होता है वो आपको दिन भर में जैसे 6000 आयु नीडेड होता है, तो ये कहाँ से मिल सकता है? वेजिटेबल्स में तो मिलेगा ही, लीवर्स में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा आपको? तो बादाम है, मूंगफली है, सनफ्लावर सीड्स है, ये सब जगह विटामिन ई मिलेगा। उसके बाद एक है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है वो गाजर, आम, पपीता, कद्दू, स्वीट पोटैटो, ये सब जगह मिल सकता है। मिनरल्स में आपको बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि जो अहम रोल अदा करते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये सारे जो हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। और इनकी कमी और ज़्यादा होने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ उत्पन्न हो सकते हैं या सिम्टम्स नज़र आने लग सकती हैं। तो ये सब मिनरल्स हमको कहाँ से मिलेंगे, तो आइए इस पर नज़र देते हैं। मिनरल्स के लिए हमको दलिया, कद्दू, खीरा, किशमिश, खजूर, मुनक्का, ये सब हम ले सकते हैं। आयरन के लिए आप केला ले सकते हैं, केला में बहुत सारा आयरन होता है जिसमें पोटेशियम भी होता है। पेन और क्रैम्प्स को कम करता है पोटेशियम, इसीलिए बहुत ज़रूरी है केला आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमेशा खाना चाहिए। आप कच्चा केला भी खा सकती हैं, कच्चा केला में ज़्यादा आयरन रहता है। जिंक जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। 15 mg जो है वो नीडेड होता है दिन भर के लिए, तो आप इसको काजू में मिल सकता है आपको, ये काबुली चना में मिल सकता है, और लाल चना है उसमें भी मिल सकता है। तो जिंक आपको लेने के लिए इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बीटा कैरोटीन मैंने आपको पहले ही बताया, गाजर, आम, पपीता, कद्दू, स्वीट पोटैटो, ये सब में मिलेगा। जो आयरन का जो मतलब कि आयरन जो है वो ज़रूरी इसीलिए है, जब आपका थर्ड मंथ शुरू हो जाता है तो उसके बाद से ही आयरन सप्लीमेंट हम लोग देना हॉस्पिटल में भी चालू कर देते हैं, क्योंकि थर्ड मंथ के पहले क्या होता है कि वॉमिटिंग ऐसी टेंडेंसी होने लगती है और आयरन खाने से वॉमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके वजह से हम लोग आयरन सप्लीमेंट 3 मंथ के पहले नहीं देते हैं। 3 मंथ के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर वॉमिटिंग टेंडेंसी नहीं है तो वो आयरन की टैबलेट्स पहले भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसके वजह से ही हम लोग इसको थर्ड मंथ के बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या है कि अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाती है तो लेडीज़ में तो ब्लड की कमी हो ही गई, जिसमें डिलीवरी में आपको दिक्कत होगा, और बच्चे में क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब एबनॉर्मलिटीज़ आना शुरू हो जाती है, यानी कि न्यूरल ट्यूब जो है आपका उसमें बहुत सारी डिफॉर्मिटी आने लगती है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या है कि बच्चे का सेहत और फीमेल की का सेहत को ध्यान में रखते हुए हमको फेरम यानी कि आयरन की सप्लीमेंट देना अति आवश्यक है, जो थर्ड मंथ से शुरू होकर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक हमको इसको चलाते रहना है। उसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये हमको कहाँ से मिलता है? तो फिश, अखरोट, एज ए होल ये कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो प्लेट है ये कलरफुल होना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो प्लेट है वो कलरफुल होना चाहिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो प्लेट है आपका उसमें हर जब आप कलरफुल रहेगा ना तो आप ये समझ सकती हैं कि हाँ मेरा सारा इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद है। जैसे गाजर है तो रेड हो जाएगा, है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं ग्रीन है, रेड है, येलो है, तो ये सारा कलरफुल प्लेट होना चाहिए। आप ऐसा कौन कौन सा खाना है जो आप खाने के बाद आप मतलब खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को फुलफ़िल करेगा, तो उस पर एक लिस्ट मैंने तैयार किया है, आप इस पर एक नज़र दीजिए। तो इसमें आप क्या यूज़ कर सकती हैं? तो इसमें होल फ्रूट है, सीरियल्स है, ड्राई फ्रूट है, वाइट मीट है, अंकुरित अनाज है, एग है, एग वाइट को आप यूज़ कीजिए, येलो वाले को छोड़ दीजिए, खिचड़ी है, बिरयानी बना सकती हैं, सूजी का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैगरी यानी गुड़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, हनी है, सैलेड है, यानी सैलेड को आप बहुत सारे कुकुम्बर ये सब टमाटर और ये क्या कहते हैं वेजिटेबल्स लगा के भी आप सैलेड तैयार कर सकती हैं, बेसन का लड्डू बना सकती हैं, मिल्क और घी का इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपके फैट को भी इंक्रीज़ करेगा। फैट को आप ऐसे मत समझिए कि फैट आपको नुकसान करेगा, फैट आपको फ़ायदेमंद भी कर सकता है, फ़ायदेमंद ही है ना। तो इस फैट में आपको बटर नहीं लेना है, मलाई नहीं लेना है, आइसक्रीम ये सब नहीं लेना है, लेकिन घी का इस्तेमाल आपको करना है।
फाइनली आपको मैं बताना चाहती हूँ डाइट के बारे में, तो मैंने लगभग बता ही दिया आपको कि क्या क्या आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको ये इसलिए बताया कि जो आप सुपर फूड के चक्कर में आप पड़ती हैं वो छोड़ के आप जो आसपास में मौजूद है, यानी कि आपको दलिया है, सीरियल्स है, आपको दाल है, चना दाल है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, ये सारे पौष्टिक है और ये सारे आपको पाँचों इंग्रेडिएंट जो आपके बैलेंस डाइट के लिए है वो फुलफ़िल करने में सक्षम है, तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। एग है, वाइट मीट है, मिल्क है, आप इसको सारे चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। और सूजी है, आप बेसन का लड्डू बना के रख सकती हैं, ड्राई फ्रूट का लड्डू बना के रख सकती हैं, तो ये सब आप इस्तेमाल कीजिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी कुछ हैम्पर होने वाली है, आपका बच्चा भी बिल्कुल भी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको क्लियर आउट करना चाहती हूँ वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। आइए इसके ट्रीटमेंट पर नज़र डालते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हमको लेनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट हमको ऐसी लेनी चाहिए किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए जो हमारी इम्यून बूस्टिंग मेडिसिंस हो। तो इम्यून बूस्टिंग मेडिसिंस का इस्तेमाल जिस भी ट्रीटमेंट में हो वैसी ट्रीटमेंट बेस्ट है। तो आगे मैं बताऊँगी कि ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है। रेगुलर रूटीन वे में हम लोग दो टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं जो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को देना ज़रूरी है, वो है एक आयरन की टैबलेट और दूसरी है कैल्शियम की टैबलेट। आयरन की टैबलेट जो है वो थर्ड मंथ के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि नौसिया और वॉमिटिंग टेंडेंसी को इंक्रीज़ करती है। तो चूँकि थर्ड मंथ से पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ को नौसिया टेंडेंसी हमेशा होती रहती है, इसीलिए हम लोग आयरन की टैबलेट्स को वहाँ पर न दे के थर्ड मंथ के बाद स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को अगर नौसिया टेंडेंसी नहीं होती है तो आप इसको फर्स्ट मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैल्शियम की टैबलेट्स जो है उसको फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करके तब तक कंटिन्यू करना है इन दोनों मेडिसिंस को जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी डिलीवरी के टाइम में ब्लड लॉस बहुत होता है, तो उसकी मेंटेन रहे हीमोग्लोबिन उसके लिए भी, और बच्चे का भी न्यूरल डिफेक्ट ना आए उसके लिए भी, दोनों के लिए भी ये आयरन का होना सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों तो हम लोग को ज़रूरी ही है। सेकेंड जो है कि मैंने आपको बताया कि ऐसी मेडिसिंस का हमको इस्तेमाल करना चाहिए जो इम्यून बूस्टिंग मेडिसिंस हो। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि प्रतिरोधक जो क्षमता है वो तीन हिस्से की में आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक तो आपको स्किन हो गई, आपको उसके बाद श्वसन मार्ग हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। इन तीन रास्तों से कोई भी इन्फेक्शन हमारे अंदर प्रवेश करता है, और जब ये कोई भी इन्फेक्शन जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो अंदर की जो प्रतिरोधक कोशिका है, यानी कि जो सेल्स हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है या मदद करती है इन वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, वो सतर्कता हेतु क्या होता है कि वो अपना सिम्टम्स बाहर देने लगती है। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स बढ़ जाता है, खांसी होने लगती है, ज़ुकाम हो जाता है, और जब ब्लड टेस्ट आप कराते हैं तो WBC बढ़ी रहती है, तो ये सब जो है आपको फीवर हो जा सकता है। तो ये सब जो है ये शरीर शो करता है अब जब लड़ता है वायरस और बैक्टीरिया से, तो ये सारे सिम्टम्स को बाहर शो करता है कि मेरे अंदर जो है इन्फेक्शन घुस गया है। तो इससे जो वायरस और बैक्टीरिया से जो निपटने के लिए जो शरीर इतना मेहनत कर रहा है इसी को हम लोग एडप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। एडप्टिव इम्यून सिस्टम जो है ये शरीर के अंदर ही होता है जो वायरस बैक्टीरिया से लड़ता है और आपको उसके अगेंस्ट में बचाव करता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी खुद ही बनाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि वैक्सीन ऊपर से दी जाएगी, अभी कोरोना वायरस को लेकर जो आपने सुन रखा होगा कि वैक्सीन्स बन रही हैं और ये वैक्सीन्स दी जाएगी, तो ये क्या करेगा कि वैक्सीन्स क्या होती है, ये लाइव एटेन्यूएटेड होती है, यानी कि वैक्सीन्स जो बनती हैं वो जीवित जो कोरोना वायरस जो होंगे उससे वो वैक्सीन बनाई जाती है और इसको बहुत माइन्यूट डोज में हमारे स्वस्थ शरीर में इम्प्लीमेंट की जाती है, मतलब वैक्सीन दी जाती है। जब ये बहुत माइन्यूट डोज में जब हमारे शरीर में ये इन्फेक्शन जाएगा तो शरीर इसको क्या करेगा, फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेगा और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। तो ये हुआ इसका प्रक्रिया। तो यही चीज़ हमारा जो नॉर्मल बॉडी है ये फंक्शन हमेशा करते रहता है, क्योंकि हमारे आसपास जो है वो हमारे आसपास हर तरह के बैक्टीरिया, हर तरह के वायरस घूम रहे हैं, हमारे अंदर जा रहे हैं। सिर्फ कोरोना वायरस ही एक प्रकार का वायरस नहीं है, इसके पहले भी कई वायरस आए और कई वायरस गए और अभी भी, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का है तो आपने सुन रखा होगा कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि सिम्टम्स अगर नहीं भी दे रहा है तो वो एक लेटेंट रूप में यानी छुपा हुआ रूप में हमारे शरीर में अंदर रहता है, और TB नहीं भी हो सकता है, यानी कि उसका लक्षण नहीं भी दिख सकता है, लेकिन लेटेंट रूप में छुपा हुआ रूप में ये
अंदर हमारे मौजूद रहता है और जब हमारा शरीर कमज़ोर होगा तो वो हमारा लक्षण बाहर देने लगेगा। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि वायरस और बैक्टीरिया हमारे वातावरण में मौजूद हैं। हमारा शरीर हर दिन प्रत्येक मिनट प्रत्येक सेकेंड प्रत्येक पल उन वायरसेस को अपने अंदर ले रहा है और उसके अगेंस्ट में एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के द्वारा उसको ख़त्म कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि ये कोरोना वायरस भी जो है ये एक प्रकार का वायरस है, चूँकि ये नया है और ये थोड़ा प्रभावशाली ज़्यादा था, अब तो ये कमज़ोर हो गया है। पहले प्रभाव इसका इतना अधिक था कि ये तुरंत में इतना ज़्यादा रिएक्शन दे रहा था कि फ्लू लाइक सिम्टम ये दे रहा था कि ये सीधे लंग्स पर अटैक कर रहा था या एक्चुअली कर रहा है। तो जिसकी लंग्स पहले से कमज़ोर है वो इसका अटैक नहीं झेल पाती है और फिर परेशानी का झेलना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा मतलब कि ये सारा इम्यून पावर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को चालू होने में और सारा कुछ प्रोसेस होने में जो बॉडी खुद से करेगा इसमें कुछ समय लगता है। लेकिन समय लगता है जिसमें क्या होता है कि जैसे फीवर है तो फीवर कंटिन्यू कर जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि फीवर अभी ख़त्म क्यों नहीं हुआ, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गई है और अभी तक फीवर ख़त्म नहीं हुआ है। तो बॉडी उसके अगेंस्ट में लड़ रहा है, उसके अगेंस्ट में अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा अपना शरीर को मजबूत कर रहा है, तो उसमें तो समय लगेगा ही। लेकिन हाँ, इस समय को कम करने के लिए मतलब कि इसको इस प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए, यानी कि ये जो प्रोसेस एडेप्टिव प्रोसेस है हमारे शरीर का खुद का, इसको प्रमोट करने के लिए जो मेडिसिन्स कारगर है उसी को मैं कहना चाहती हूँ इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स आपके इस प्रोसेस को जो आपका शरीर कर रहा है इस प्रोसेस को प्रमोट करे। तो वैसी कौन सी मेडिसिन्स है, तो वैसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं जिनका ये काम ही है, क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो काम करने का तरीका है वो इसी के बेसिस पर है कि वो डायरेक्टली वायरस और बैक्टीरिया पर अटैक नहीं करता है, वो आपके शरीर में जाके आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और यही इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन्स जो है वो आपके एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को आगे बढ़ाएगी और शरीर खुद अपने आप को मजबूत करके वो जो आपने बैक्टीरिया वायरस इंगल्फ किया है आपके अंदर घुसा है उसके अगेंस्ट में वो वर्कआउट करेगा और उसको शरीर से बाहर करेगा। वो किसी भी प्रकार का, किसी भी नाम का वो वायरस हो सकता है, किसी भी नाम से वो डिजीज़ आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। वो नाम बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो HIV हो, पोलियो हो, ये हो, वो हो, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी कोरोना वायरस हो, इससे कोई बहस नहीं है, वो किसी भी नाम का डिजीज़ हो सकता है, किसी भी नाम की बैक्टीरिया हो सकती है, किसी भी नाम का वायरस हो सकता है। प्रोसेस यही रहेगा कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है और वो आपका एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उस वायरस और बैक्टीरिया से आपको बचाएगा। इसलिए अब आते हैं प्रेगनेंसी पर। तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि जो भी नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस हो या फिर इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत ही कारगर है। दूसरे नंबर पॉइंट पे अगर इजी एंड नॉर्मल डिलीवरी की बात कही जाए तो वैसे कंडीशन में भी आपने भी सुना होगा और ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि ये इजी एंड नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी आपको हमेशा जब भी आप डिलीवरी कंसीव करती हैं उसके बाद से होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। ये क्या होगा कि आपका 9 महीना का जो पीरियड है उसको बहुत ही इजी वे में कंटिन्यू कर देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो बेबी है वो कब फर्स्ट मंथ से ट्राइमेस्टर क्रॉस करके और 9th मंथ तक पहुंच भी गया और आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई और आप बहुत स्वस्थ हैं, आपका बच्चा भी स्वस्थ है, फाइनली आपकी डिलीवरी बहुत ईजी और अनकॉम्प्लिकेटेड बहुत ईजी वे में नॉर्मल हो गई है। तो इस तरीके से हर वे में, यानी कि आप किसी डिजीज़ रूप में ले लीजिए, किसी कॉम्प्लिकेशन डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन के रूप में ले लीजिए, डिलीवरी होने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए ले लीजिए, हर वे में होम्योपैथिक मेडिसिन जो जिसको हम इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन भी कहते हैं आप इसको लीजिए। 100% गारंटी के साथ मैं ये कहती हूँ कि ये आपके बॉडी को, आपके होने वाले बच्चे को प्रॉपर वे में डिलीवरी होने में मदद करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि शेयर करने से क्या होगा कि अगर किसी और को अगर इन्फॉर्मेशन अगर ये मिलती है तो वो लाभान्वित होंगे। और अगर आपको इस विषय में यानी कि ANC से संबंधित कोई और भी जानकारी लेनी हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली कम बैक टू यू विद द आंसर। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।